और इनकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे झुकी नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रेशर डालेंगे पूरा बॉडी का, एक मिनट में 100 से 120 बार, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि ये तो उनको फिर महसूस होगा। देखो लाइक दिस, 1 2 3, ये कम डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डालना है आपने, और एक मिनट में 100 से 120 बार लाइक दिस। एल्बो को नहीं मोड़ना, प्रेशर ज़्यादा डालना है, ये ऐसे ऐसे नहीं करना बस, इससे कुछ नहीं होने वाला, पूरा जोर लगा के एल्बो नहीं मोड़ेंगे, हथेलियों से प्रेशर बना डालो, और बीच में 3-4 प्रेशर डालने के बाद मुंह से, आप अपने मुंह से इनको मुंह को सांस भी दे सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, दे दे तो बहुत बढ़िया, ना दे दे तब भी बढ़िया है। और इस प्रकार करने के बाद 50 से 70% चांसेस है पेशेंट इमीडिएटली रिवाइव हो जाएगा, उठ के बैठ जाएगा आपके सामने, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, इस ऐसे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए जो जिसको आता है और वो करें। ये तो मैकेनिकल सीपीआर हो गया, एक मशीन भी आती है इलेक्ट्रिकल, उस मशीन के 2 नोब होते हैं, एक नोब सेंटर में, एक नोब यहाँ लेफ्ट साइड में, और उसको प्रेस करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट निकलेगा और हार्ट रिवाइव हो जाएगा। तो वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आप तो हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो मैकेनिकल तो हर एक कोई कर ही सकता है ना। तो बाहर USA में, बाहर वाली कंट्रीज में ये मशीन्स एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, जगह जगह लगी हुई है, वो निकालें, नोब लगाएं और प्रेस करें और पेशेंट रिवाइव हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो एक सिनेरियो तो हुआ कि हार्ट अटैक होने के बाद ऐसी चीज हो जाती है जो मैंने बताया, और दूसरा क्या होता है, हार्ट अटैक होने के बाद पेशेंट को बहुत तेजी से छाती में दर्द होता है, स्वेटिंग होती है बहुत, टॉयलेट नहीं होता, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में घुटन होती है। बताना चाहूँगा क्या डेफिनेशन है हार्ट अटैक की, एनी चेस्ट पेन विथ स्वेटिंग एंड वॉमिटिंग लास्टिंग फॉर मोर देन हाफ एन आवर इज टेकन एज हार्ट अटैक अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। कहने का मतलब है यदि छाती में दर्द किसी को हो रहा है और आधे घंटे हो गया है और पसीने के साथ हो रहा है और साथ में उल्टी आने को भी हो रहा है, तो इसको हार्ट अटैक मान ले, चाहे कोई टेस्ट ना किया हो, चाहे ECG नहीं किया। यदि आपकी ECG की सुविधा नहीं है, कोई टेस्ट करने की सुविधा नहीं है, तो आप सबको मान लीजिए। तो उस वक्त क्या करना है आपने, जब आपको सुविधा नहीं है और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, छाती के दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, टॉयलेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, एक डिस्प्रिन की टैबलेट 300 mg इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट आती है क्लोपिडोग्रिल, वो 600 mg की टैबलेट, 150 mg की 4 टैबलेट, वो पेशेंट को दे दें और जीप के नीचे 100 पैकेट की गोली रख दें, तो आपको जान के ताज्जुब होगा 50 से 70% चांसेस हैं यदि ये काम आपने दर्द होने के 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर कर दिया, समझो आपने 50 से 70% पेशेंट का काम कर दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है इससे, इन 3 दवाइयों से। लेकिन जल्दी करना है, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अच्छा, तो समय की पाबंदी है, तो मैं अंत में थोड़ा सा ये आपको पता लग गया, अब हार्ट अटैक बस 5 मिनट तो दे दूंगा मैं। तो ये हार्ट अटैक का लक्षण मैंने बताया कि छाती में दर्द। अब ये हार्ट अटैक में जो छाती में दर्द होता है, बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हार्ट अटैक में छाती का दर्द हो सकता है सेंटर ऑफ द चेस्ट, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म,
राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, टमी अबव द लेवल ऑफ नेवल, इससे ऊपर दर्द, बैक में, अपर बैक में, कान में, लोअर जॉ में, तो यहाँ कहीं भी दर्द हो पसीने के साथ, आधा घंटा हो गया तो आपको मानना है कि हार्ट अटैक है। जरूरी नहीं है कि छाती में ही होना चाहिए, राइट शोल्डर में दर्द है और पसीने के साथ है तो आप इसको शोल्डर का दर्द मत मानिए, हड्डी का दर्द मत मानिए, क्योंकि पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो आपको हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको जाना है दिल के डॉक्टर के पास। पेट में दर्द है, पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, ऊपर की तरफ दर्द है, तो आपको पहले ECG करानी है, दिल के डॉक्टर के पास जाना है। दांत में दर्द हो रहा है नीचे की तरफ, पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो आपके दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है। तो ये है। और दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, इसके कारण है, पांच कारण है, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करिए, शुगर है उसको कंट्रोल करिए, चेक कराइए शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको कंट्रोल करिए, और यदि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, यंग पेशेंट को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो अपना डिटेल वर्कअप जरूर कराएं। तो पांच मैंने बताए, यदि आपको ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है और फैमिली हिस्ट्री है और स्मोकिंग करते हैं, इन पांचों में से कोई भी है तो आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवानी जरूरी है, हार्ट का टेस्ट कराइए, इको, TMT, और यदि उसमें पॉजिटिव आता है तो आपको कुछ दवाइयां लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सुंदर तरीके से संक्षिप्त में गीता का भावार्थ समझाया और अपना मेडिकल साइंस का अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया, हम सब आपके बहुत ही धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं।